हरतालिका तीज के दिन फुलेरे का दर्शन करें। फुलेरा किस तरह से बनाया जाता है, इसी पत्ती लगाना चाहिए, कैसा फूल, हमको ये प्रश्न कल यहाँ से जाने के बाद आ चुका था सीहोर के ऑफिस में। और उसके बाद हमने पंडितों को कहा था कि एक फुलेरा तैयार कर रखें और उस फुलेरे का दर्शन सभी को लाइव कराएं, जिससे घर पर या मंदिर में आप शिव जी की जब आराधना करें तो उसके ऊपर फुलेरा बंधा होना चाहिए। जैसे ये शिवलिंग आपने बनाया बालू रेत का मिट्टी का, जो शिवलिंग का निर्माण करा है, उस शिवलिंग का निर्माण करने के बाद में आपके मध्य में जब आप शिवलिंग बनाते हो घर के अंदर हॉल में या मंदिर में, तो ऊपर कोई कुंडी वगैरह लगी हो, पंखा लगा हो, उस पे से रस्सी बांध कर लेकर आकर इस फुलेरे को इस तरह से शिव जी के ऊपर लटकाया जाता है, इसको फुलेरा कहते हैं। ये भगवान शंकर का अखंड सौभाग्य देने का फुलेरा होता है, जिसको माता पार्वती जी, उमा, कात्यायनी देवियों ने इसका स्मरण किया। एक गोल होता है, गोल चौकोर तिरछा जिस तरह से भी बनाना हो, पर शिव जी के ऊपर नीचे शंकर भगवान होते हैं, ये थोड़ा ऊंचा जिससे पूजन भी आराम से हो जाए, इसको ऊंचाई की ओर लगाया जाता है, जिससे भगवान, जैसे अपन जलाधारी लगाते हैं उसी तरह से इस फुलेरे को लगाया जाता है। तो इस फुलेरे में कहीं ना कहीं पत्तियों को भी लगाना चाहिए, माला के साथ में कोई आम की पत्ती हुई, अशोक की पत्तियां हुई, उसका भी स्मरण इसमें आता है, महाराज उसका भी स्मरण। जैसे भगवान देव अधिदेव महादेव का शिवलिंग का जब दर्शन हो गए सबको फुलेरा का, अरे जम के तो बोलो हो गए ना, और जितने लोग आस्था पर सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, अगर आपके स्मरण में फुलेरा नहीं हो तो उसका दर्शन अवश्य करिएगा। शिव मंदिर में अगर जलाधारी भी लगी हुई है तो जलाधारी से फूल बांधकर नीचे की ओर लटकाना चाहिए, पर लटकाना चाहिए, फुलेरा बनाना चाहिए। सात फल हैं फुलेरा के, कितने फल हैं? सात। ध्यान दीजिएगा, पहला, फुलेरा जो नारी व्रत करती आती है और व्रत कर्म उसका चलता रहता है, उस व्रत कर्म के अंतर्गत मान लो किसी कारणवश बीमारी में, कोई गमी के अंतर, कोई सूतक सावड़ के अंतर्गत अगर नारी पूजन नहीं कर पाती है, पूजन नहीं कर पाई और उसने केवल फुलेरे का दर्शन ही कर लिया, अपने पलंग पर पड़ी पड़ी भी फुलेरे का दर्शन कर लिया है, तो नारी को हरतालिका तीज के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। सात फल हैं भगवान शंकर के हरतालिका तीज के फुलेरे का। पहला फल व्रत का मूल, दूसरा यदि कोई नारी आई और उसके संतान नहीं, 10 साल 8 साल 5 साल 6 साल 7 साल 12 साल 15 साल हो गए, उस फुलोरे फुलेरे का मात्र स्मरण कर एक पुष्प भी उसने अगर हल्दी कुकू का लगाकर उस फुलेरे का टच कर भगवान शिव के पावन चरणों में रख दिया है और विनती कर गई है, तो अगला फुलेरा वो खुद बनवाती है, उसकी गोदी में संतान आ ही जाएगा, अगला फुलेरा वो खुद बनवाएगी, के जाएगी, जीजी अगली बार फुलेरा मेरी तरफ से बनवा देना, मंदिर में फुलेरा मेरी तरफ से लगवाना, अगली बार जब तुम पूजन करो तो फुलेरा मेरी तरफ से बनवाना, ये फुलेरे का मात्र। तीसरा महाराज, हम कोई दान, गऊ दान, हरतालिका तीज की किताब है आपके यहां, जो लोग पढ़ते होंगे हरतालिका तीज की किताब, उसमें लिखा है ब्राह्मण देव को ये दान देना है, ऐसा दान देना है, अब कोई गरीब है, कोई साधारण है, नहीं है किसी की कैपेसिटी, नहीं दे सकता, तो क्या होता है? तो कहा हम गौदान नहीं कर पाते, हम स्वर्ण दान नहीं कर पाते, हम वस्त्र दान नहीं कर पाते, हम मुद्रा दान नहीं कर पाते, हम अन्न दान नहीं कर पाते, हम ये सारे दान अगर नहीं भी कर पाते हैं
तो शिव महापुराण की कथा कहती है तीसरा फल फुलेरे का है कि मात्र फुलेरे का दर्शन स्पर्श कर लेने से सारे दानों का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। यह तीसरा फल फुलेरे का। अब हरताली का तीज का फुलेरे का चौथा महत्व है महाराज, चतुर्थ महत्व है हरताली का तीज के फुलेरे का है। जो कुंवारी कन्या हरताली का व्रत करती है, पहली बार जो हरताली का तीज का व्रत करती हैं, या हरताली का तीज का उद्यापन कर देती हैं, या किसी कारणवश शरीर ऐसा नहीं रहा कि बिना पानी के नहीं रह सकती, तो दो बूंद अगर उनने पानी भी पी लिया है, या कोई कारणवश एक कुछ गलती हो भी गई है, तो मात्र फुलेरे का दर्शन कर लेने से वो गलती शंकर स्वीकार कर उसको क्षमा कर देते हैं। ये चतुर्थ भाव के अंतर। फुलेरे का अगला वर्णन करा गया महाराज शिव तत्व की ओर, शंकर भगवान की ओर। हम ना काशी जा सकते हैं, हम ना सोमनाथ जा सकते हैं, हम ना किसी स्थान पर जाकर एकांत में भगवान शंकर का स्मरण कर सकते हैं। मान लो हमें एकांत में बैठकर शिव की भक्ति करना है, किसी मंदिर में किसी देवालय में जाकर भक्ति करना है, तो फुलेरे का मात्र दर्शन करने से, पूजन स्मरण करने से उस भक्ति का फल भी हमारे खाते में आ जाता है। और फिर अगला आखिरी का जो वर्णन किया गया है वो कहा गया कि पार्वती मैया गुफा में जाकर भगवान का भजन करती थी, शिव का स्मरण करती थी, और फिर अपनी सहेलियों के साथ बैठकर शंकर का स्मरण करा, जिसका फल पार्वती को मिला। तो कहा हम ना किसी गुफा में प्रवेश कर सकते हैं, ना हम किसी गुफा में या जंगल में जा सकते हैं, इस फुलेरे के नीचे शंकर भगवान की जब अर्चना करते हैं, आराधना करते हैं, हरताली का तीज के दिन फुलेरे के नीचे हम भगवान शिव की पूजन करते हैं, तो हमारा वन में किया गया भजन का फल ही हमको प्राप्त हो जाता है। ऐसे फुलेरे का हरताली का तीज का पूजन व्रत कुंवारी कन्या कर सकती है, शादी होने के बाद भी नारी कर सकती है, अंतिम अवस्था तक प्राण छूटे तब तक हरताली का तीज का व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। एक व्रत हमेशा याद रखो, एक एकादशी और एक हरताली। हाँ इतना जरूर है, ज्यादा शरीर बेकार हो गया, बुढ़ापा आ गया, शरीर नहीं साथ दे रहा, तो कुछ फल खा लो, कुछ चाय दूध जूस आप लेकर कर लो। इतना भी नहीं बने, शरीर बहुत ही बेकार हो गया, तो आप एक समय फल का फलहार धारण कर लो, ठीक है। पर हरताली का व्रत करने वाली माताएं भले उद्यापन कर दे, तो उस व्रत को थोड़ा हल्का कर लो। उद्यापन करा मतलब तुमने व्रत को हल्का कर लिया, थोड़ा हल्का कर सकते। हरताली का तीज का जो व्रत का उद्यापन करते हैं उसमें पांच चीज रखते हैं ना, पांच कपड़े स्त्री के, पांच कपड़े पुरुष के, पांच तरह का अनाज, पांच तरह का फलहार, पांच तरह का फल। तो पांच तरह का जो फल रखाता है हरताली का तीज के उद्यापन में, दुनिया के लोग उस पांच तरह के फल को केला गिन ले, पपीता गिन ले, मौसम्बी गिन ले, और अनार गिन ले, संतरा गिन ले, सब कुछ गिन लेते हैं, पर उस पांच तरह के फल में धतूरे को नहीं गिनते। पर शिव कथा में वर्णन आता है हरताली का तीज के उद्यापन में लिखा हुआ है, सबसे पहले पांच फल अगर गिनना है तो उसमें पहले धतूरे को गिनो, क्योंकि शंकर को वो प्रिय होता है, शंकर उसको स्वीकार कर लेता है। और धतूरा शंकर भगवान को क्यों चढ़ाया जाता है उसका प्रसंग आपको पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं। धतूरा जब हम भगवान शंकर को समर्पित करते हैं तो हमारा कोई कार्य अटक रहा होता है, जिस कार्य को बार बार एग्जाम में बैठे हो, बार बार परेशान हो रहा है, बार बार इंटरव्यू देने जा रहे हो, नहीं हो रहा। एक बार धतूरे को हृदय से भगवान को प्रेम से, करुणा सागर मेरे शंकर को दिल से, एक बार वो धतूरा भगवान से विनती कर उसको चढ़ाओ तो सरी भगवान तुम्हारा कार्य सफल कर देगा, पर दिल से चढ़ाना हृदय। हरताली का तीज की पूजन करने वाले को चाहिए कि बालू का मिट्टी का शिवलिंग बनाना चाहिए। फुलेरा जो बनाया गया है ऊपर
शंकर जी के ऊपर लटकाने के लिए, टांगने के लिए, उसके नीचे शिव पार्वती गणेश जी की सुंदर बालू की मूर्ति बना लेना चाहिए, पार्थिव लिंग का निर्माण कर लेना चाहिए, शिव की आराधना करना चाहिए, जो फल आपके पास में हो शंकर को समर्पित करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, आराधना करो। सबसे पहली पूजन हरतालिका तीज की प्रदोष काल के अंतर्गत हो जाना चाहिए, शाम के समय पर। प्रयास करा करो प्रदोष काल के समय पर पहली पूजन हो जाए तो ज्यादा अच्छा। पर लोगों की आदत रहती है कि 8 बजे तक 8:30 बजे तक 9 बजे तक पहली पूजन करें, फिर दूसरी आराम से, फिर तीसरी, फिर आराम से, फिर चौथी, तो ऐसा सब अपने अपने हिसाब से। पर शास्त्र रीति कहती है कि प्रदोष का जो समय होता है, प्रदोष काल जो होता है, शाम का जो समय होता है, उस समय पर हरतालिका तीज की पहली पूजन हो, जिससे आपका स्मरण चित्त शंकर भगवान में उस घड़ी, उस पल, उस क्षण में आप शिव के हो जाएं और शंकर आपका हो जाए। हाँ, अगर किसी के आने में देरी हो, कोई आ नहीं पा रहा है, बहुत देरी हो रही हो, तो हरतालिका पूजन व्रत वर्णन करता है कि शिवलिंग का निर्माण, पार्वती जी की मूर्ति का निर्माण, गणेश जी का निर्माण और फुलेरा जो बनाया हुआ है, ये प्रदोष काल के पहले बनकर तैयार हो जाना चाहिए। प्रदोष काल के अंतर्गत फुलेरा नहीं बनना, फुलेरा पहले बन जाना चाहिए। और बहुत विचित्र, बहुत विशेष बात ध्यान रखिए हरतालिका तीज की, कि शंकर जी का जो अपने स्वरूप बनाया है, पाटे में, थाली में, चौकी पर, चौरंग पर जो स्वरूप बनाया है, वो पहले नहीं रखना है। पहले क्या बांधना है? फुलेरा। पहले फुलेरा बांधिए, उसके बाद उसके नीचे शंकर जी को रखिए। कई अब जो हरतालिका तीज का पूजन करते हैं तो उनके लिए हो गया, अब दूसरे के लिए भी सुन लें। जो नारी हरतालिका तीज का पूजन नहीं करती, व्रत नहीं करती, साधना नहीं करती, उसके लिए भी कहा गया कि आप अगर ये व्रत नहीं करते हो तो एक कार्य जरूर करना, कहीं पर फुलेरा बंधा हो, हरतालिका की पूजन हो रही हो, 5 मिनट 10 मिनट निकालकर अपने आसपास के किसी पौधे में से पत्तियां लेकर या पुष्प लेकर, 5 वृक्ष की पत्ती या 5 वृक्ष के पुष्प लेकर शंकर भगवान को जब पूजन हो रही हो, 5 मिनट माताएं जब पूजन कर रही हों, तब आप भी उस पुष्प को, उस पत्तियों को शंकर को समर्पित कर सकते हो। ये नहीं चढ़ा सकते तो 5 फल, फल नहीं चढ़ा सकते तो 5 कुछ भी पुष्प आदि का आप शिव को समर्पित कर। और क्यों चढ़ाया जाता है, किस लिए चढ़ाना चाहिए, तो कहा कन्या स्त्री अगर मान लो हरतालिका का व्रत नहीं करती, पूजन नहीं करती, आराधना नहीं करती, तो वो कन्या, वो नारी, वो स्त्री, वो पुरुष कार्य तो बहुत करेगा, दुकान भी 4 चलाएगा, व्यापार भी बढ़ाएगा, पर संपदा को जोड़ नहीं पाएगा। 1 रुपये कमाएगा, 1.25 रुपये खर्च वाला काम चलेगा। हस्त नक्षत्र में जो तृतीया पड़ती है, हस्त नक्षत्र के अंतर्गत जो तृतीया का महत्व कहा गया है, वो संपदा को बढ़ाती है, मनोकामना को पूर्ण करती है। इस क्षेत्र के अंतर्गत जो तृतीया आती है, वो मनोकामना को पूर्ण कर चली जाती है। इसलिए शिव की आराधना के लिए प्रथम माने हस्त नक्षत्र में किया गया दान, हस्त नक्षत्र के अंतर्गत तृतीया के दिन किया गया पुण्य, हस्त नक्षत्र में तृतीया के दिन किया गया श्रृंगार, हस्त नक्षत्र में तृतीया के दिन करा गया अपना सुंदर सिंदूरा भगवान का आनंद, 5 तरह के वस्त्र, 5 तरह के स्त्री के वस्त्र, पुरुष के वस्त्र, 5 तरह का फल, 5 तरह का अनाज, ब्राह्मण को बुलाकर ब्राह्मणी के साथ आप या तो ब्राह्मण से उद्यापन करवाएं या फिर आप स्वयं भी करते हैं तो शिव को समर्पित करके ब्राह्मण और ब्राह्मणी को भोजन कराकर वो भाग प्रदान करें। यही हरतालिका तीज के उद्यापन का वर्णन आता है। सुंदर भाव से हरतालिका माता आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। हर हर महादेव। हर महादेव दोस्तों, पिया मिश्रा के चैनल पर आप सभी का स्वागत है।
दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।